हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में होने वाला सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो ये जो मैच है अभी भी स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम बचे हैं भाई, लगभग 19 घंटा बचे हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, विकेट कीपर में किसको लेना चाहिए, बैट्समैन पर कौन सा प्लेयर सही रहेगा, ऑलराउंडर्स में वो दो तीन ऑलराउंडर कौन है, यहाँ पर रन भी बना रहे, विकेट भी ले रहे हैं, ये भी जानकारी आपको बताऊँगा। गेंदबाजी में इकोनॉमी वाइज बॉलर कौन है और यहाँ पर कितने बॉलर्स तक हम लोग ले सकते हैं, ये सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले पिच रिपोर्ट जान लीजिए। पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल है, गुड फॉर फेस बॉलर्स है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 240 से 250-260 रन तक बन सकता है भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर पिच की बात किया जाए तो यहाँ पर मनगांव ओवल ब्लोएम फाउंटेन में खेला जाएंगे भाई यहाँ पर। आपको अगर यहाँ पर बात किया जाए तो पूरे 6 GL का टीम आपको मिलने वाला है। अभी जो मैं टीम बनाऊंगा आपको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी प्रेडिक्शन मिलने वाला है। तो चलिए भाई, आप लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो विकेट कीपिंग पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बटलर और क्विंटन डिकॉक दोनों का पिक कर लीजिएगा। बैटिंग सेक्शन पर अगर बात किया जाए भाई यहाँ पर मलन, डेविड मिलर, राशि वैंडर डूशन, उसके बाद यहाँ पर आपको जसन रॉय, यहाँ पर अभी तक इनकी जो प्लेस थी कंफर्म नहीं था भाई इंग्लैंड टीम की, क्योंकि यहाँ पर T20 से भी इनको बाहर किया गया था वर्ल्ड कप में इनका फॉर्म की वजह से। लेकिन अभी ये कमबैक किए भाई, लास्ट मैच में बेहतरीन शतक दिखाएं और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है, आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा। ऑलराउंडर्स पर सैम करन को यहाँ पर मैं जरूर टीम पर रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर वेनी पार्नल को आप रख लीजिएगा। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में खगिस और अबड़ा, जोफ्रा आर्चर भले लास्ट मैच में अच्छा गेंदबाजी नहीं किए लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट पिक है भाई यहाँ पर इंग्लैंड टीम की ओर से, और यहाँ पर ये प्लेयर को आप जरूर टीम पर रखिएगा। तो उसके बाद एंड्रिस नॉटी जी को आप यहाँ पर टीम पर ले सकते हो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए काफ़ी प्लेयर्स है भाई यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो यहाँ पर आपको क्विंटन डिकॉक और यहाँ पर मैं जॉस बटलर के साथ जा रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन पर। अगर बटलर को आपको नहीं लेना है तो यहाँ पर आप रॉय को आप ले सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच के हीरो रहे। तो यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग पर दो प्लेयर है, 4 बल्लेबाज है, 2 ऑलराउंडर है और यहां पर 3 गेंदबाज है। कैप्टन वाइस कैप्टन पे जसन रॉय और यहाँ पर आपको क्विंटन डिकॉक नजर आ रहे हैं। ये जो हमारी टीम है पहला GL भी है और ये टीम आपको स्मॉल लीग के लिए भी यूज होगा। और अभी भी आपको 5 GL टीम देना है, लेकिन ये 5 GL टीम आप देखने से पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर आपको इस प्रकार सर्च कर लेना @शत्रुघ्न225। अगर इस प्रकार सर्च करते हो तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। 3100 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं और एक जो यूजर है भाई मेरे नाम पर फेक चैनल क्रिएट किए हैं। इससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। और जो मेरा मेन टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको A to Z सारे अपडेट्स मिलेंगे भाई। यहाँ पर अपने जो यूजर्स है वो अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं भाई। बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस ही कवर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मैचेस, बिग बॉस लीग जैसे मैचेस कवर कर रहा हूँ। कबड्डी वो सब भाई यहाँ पर विनिंग अच्छा नहीं जा रहा, दूसरा बात आपको वहाँ GL जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वहाँ पर मैंने यहाँ भी डोमेस्टिक मैचेस पूरे कवर करना बंद कर दिया, इंटरनेशनल मैचेस कवर करूंगा भाई। और कुछ दिन की बात है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आपको पूरे मैच की स्टार्ट्स मिलने वाले हैं, वो भी प्रेजेंटेशन टाइप की मिलेगा भाई वीडियो आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ अब मैं कवर करने वाला हूं बहुत जल्द भाई यहां पर। तो बाकी 5 GL टीम बना लेते हैं। तो यहां पर आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं बता दूंगा। तो विकेट कीपिंग पर इस मैच में मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो क्विंटन डिकॉक है भाई, क्योंकि जॉस बटलर मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। क्लासिन यहाँ पर एक अच्छा पिक हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक ही बैट्समैन है, मलन और मिलर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राशि वैंडर डूसन को आप ले सकते हो भाई यहाँ पर। उसके बाद एडन मराक्रम एक अच्छा पिक है, जसन रॉय को आप ले लीजिएगा। टेम्पा बहुमा 6 बल्लेबाज के साथ जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ऑलराउंडर्स पे मोइन अली रहेंगे और सैम करन रहेंगे भाई यहाँ पर। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में रबड़ा और जोफ्रा आर्चर को आप ले लीजिएगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए तो काफ़ी प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं राशि वैंडर डूसन को यहाँ पर कैप्टन बनाने के लिए सलाह दूंगा। वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्लेयर्स है, मलन को आप यहाँ पर वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। तो टीम अच्छे से देख लीजिए, 1 विकेट कीपर, 6 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कैप्टन पे राशि वैंडर डूसन और वाइस कैप्टन पे डेविड मलन नजर आ रहे हैं। ये जो हमारी टीम है भाई दूसरा GL टीम है। अभी आपको मैं तीसरा GL टीम बना के दिखाऊंगा, लेकिन इस मैच में मैं ऑलराउंडर्स पे फोकस करूंगा भाई। यहाँ पर आपको मोइन अली, सैम करन, वेनी पार्नल, ये तीनों ऑलराउंडर्स लास्ट मैच खेले इसलिए तीनों ऑलराउंडर को ले रहा हूँ। गेंदबाजी में रबड़ा, आर्चर, नॉटी जी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको मगाला, यहाँ पर साउथ अफ्रीका एक नया बॉलर है भाई, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जसन रॉय को आप यहाँ पर जरूर टीम में रखिएगा। टेम्पा बहुमा एक अच्छा पिक है, कभी भी मैच को पलट सकता है भाई यहाँ पर। उसके बाद मलन को आप पिक कर लीजिएगा। विकेट कीपिंग पर यहाँ पर आप जॉस बटलर को ले लीजिएगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए तो सैम करन को मैं यहाँ पर कैप्टन बना के, वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको टेम्पा बहुमा एक अच्छा पिक रहने वाला है। तो टीम एक बार अच्छे से देख लीजिए। देख, विकेट कीपर 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाज हैं और कैप्टन वाइस
कैप्टन पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको सैम करन मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे टेम्बा बोउमा को ले लीजिएगा। ये जो हमारी टीम है भाई तीसरा जीएल टीम है। अब आपको मैं चौथा जीएल टीम बना के दिखाऊंगा। चौथा जीएल टीम पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं गेंदबाजों पे फोकस करूंगा। यहाँ पर स्टार्टिंग जो तीन बॉलर्स है रशीद को भी आप ले लीजिएगा भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मगाला है और यहाँ पर मगाला एक इंपॉर्टेंट पिक है भाई। यहाँ पर डेविड विलियम शमसी, तो यहाँ पर आप शमसी को ले सकते हो। मोइन अली और यहाँ पर सैम करन दोनों रहेंगे भाई। अगर सैम करन को लेना है भाई इंपॉर्टेंट पिक है। उसके बाद बल्लेबाजी पे मिलर रहेंगे और यहाँ पर राशि वैंडर डूसन है भाई। यहाँ पर विकेट कीपिंग पे यहाँ पर क्विंटन डिकॉक यहाँ पर एक अच्छा पिक रहेगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे सैम करन और मोइन अली को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो एक बार ये भी टीम देख लीजिए, एक विकेट कीपर, दो बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर और यहाँ पर पूरे छः गेंदबाज के साथ जा रहा हूँ। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर मोइन अली और यहाँ पर आपको सैम करन नज़र आएंगे। ये जो हमारी टीम है भाई चौथा जीएल टीम था। अभी आपको मैं पांचवा जीएल टीम बना के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं तीनों विकेट कीपर को सलाह दूंगा। और बल्लेबाजी पे मलन, मिल्लर, राशि वैंडर डूसन, उसके बाद जसन रॉय रहेंगे भाई, ये चार बल्लेबाज रहेंगे। ऑलराउंडर्स पे मोइन अली आपको ड्रॉप करने के लिए मैं बताऊंगा। सैम करन को आप यहाँ पर ले सकते हो। गेंदबाजी में यहाँ पर रबड़ा को ले रहा हूँ, आर्चर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, नॉटेजी को लेके भाई यहाँ पर आपको डायरेक्ट अगर बात किया जाए तो डेविड विली को भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये बल्लेबाजी के साथ साथ यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर राशि वैंडर डूसन और यहाँ पर मिलर को आप यहाँ पर वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। तो टीम एक बार अच्छे से देख लीजिए, तीन विकेट कीपर, चार बल्लेबाज, एक विकेट कीपर, एक ऑलराउंडर, तीन गेंदबाज है। कैप्टन वाइस कैप्टन पर यहाँ पर डेविड मिलर वाइस कैप्टन है और कैप्टन पर राशि वैंडर डूसन को ले रहा। ये जो हमारा टीम था पाँचवा जीएल टीम है। लास्ट एंड फाइनल टीम आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। विकेट कीपिंग पे दोनों प्लेयर रहेंगे, बल्लेबाजी पे यहाँ पर मिलर, मलन और राशि वैंडर डूसन है भाई। उसके बाद अगर बात की जाए तो जसन रॉय को भी आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। उसके बाद सैम करन और यहाँ पर आपको मोइन अली, वेनी पार्नल है, पार्नल को आप ले लीजिएगा। गेंदबाजी में यहाँ पर आपको तीनों बॉलर स्टार्टिंग जो है उनको तीनों का पिक कर लीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स हैं, तो डिकॉक और यहाँ पर मैं बटलर को ले रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन पे। दोनों विकेट कीपर को, दो विकेट कीपर, चार बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर, तीन गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको दोनों विकेट कीपर यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे नजर आएंगे। तो ये जो टीम था भाई मेरा फाइनल टीम था। तो कल जो मैचेस है पूरे तीन इंपॉर्टेंट मैचेस है। आपको नॉकआउट मैच होगा भाई केएफसी बिग बॉस लीग का, वो मैच मैं कवर करने वाला हूँ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड टी20 और साउथ अफ्रीका वर्सेज इंग्लैंड के बीच में आपको यहाँ पर सेकंड ODI मैच खेला जा रहा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट मैचेस मैं टेलीग्राम पर ही फाइनल टीम दे पाऊंगा। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर तीन मैचेस हम लोग कवर कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस और कवर करते हैं भाई। तो छः जीएल का फाइनल टीम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक टीम दूंगा भाई। ये जो टीम है आपको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी साथ देने वाला है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करके रख लेना, A to Z सारे अपडेट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा भाई, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।